हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं IOCL के बारे में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसके तरफ से ट्रेड अप्रेंटिस निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं किस किस ट्रेड के लिए ट्रेड अप्रेंटिस निकली और कहां कहां से निकली है। तो सबसे पहला जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में जो टोटल पोस्ट की संख्या है, तमिलनाडु में 121 पोस्ट की संख्या जो आप लोग की 12 मंथ के लिए रहने वाली है। अगर ट्रेड की बात करें तो यहाँ फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मैकेनिक्स्ट है। ठीक है, अगर हम तमिलनाडु में UR में बात करें तो 60 पोस्ट है, EWS में बात करें तो 6 पोस्ट है, और SC में बात करें तो 22 है, और ST में 1 है, और OBC में 32 पोस्ट है। अगर अगला हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टोटल पदों की संख्या 78 है, ये भी 12 महीने के लिए रहने वाली है। UR में कितना है, 36 है। ठीक है, UR में 36 है। उसके बाद EWS में कितना है, तो EWS में यहाँ पे 4 रखा गया है, और SC में बात करें तो SC में 12 रखा गया, और ST में 5 है, और OBC में 21 है। अगर हम यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आप लोग देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में टोटल 27 कोर सीट की संख्या है, ये भी 12 मंथ का ट्रेनिंग है, यानी 12 मंथ के लिए आप लोगों का अप्रेंटिसशिप रहने वाला है। UR में 14 है, EWS में 1 है, और SC में 4 है, ST में 1 है, और OBC में 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पोस्ट की संख्या आप लोगों कितना है, 284। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है इन्होंने, इन्होंने मांगा है आपके जो डिसिप्लिन है। सबसे पहले आप लोगों के लिए मान जैसे है फिटर के लिए, तो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए फिटर होना चाहिए, मैट्रिक विथ 2 ईयर का फिटर ट्रेड का आप लोग के ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मैट्रिक विथ 2 ईयर का ITI इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए है, मैट्रिक विथ 2 ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी ITI से। थर्ड में आप लोग का आ जाता है, फोर्थ में यहाँ पे मैट्रिक विथ 2 ईयर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक कोर्स ITI का, ये भी होना चाहिए। उसके बाद पांचवा है अपने लोग का मैट्रिक विथ 2 ईयर ITI मैकेनिक्स कोर्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप लोग का यहाँ पे जो चाहिए वो फुल टाइम रेगुलर आप लोग का रिलेवेंट डिसिप्लिन में आप लोगों के पास ITI होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले आप लोग का आ जाता है एज के बारे में। आप लोग का तो एज है वो कम से कम 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल होना चाहिए। कब, तो 31/12/2019 को आप 18 साल का हो जाना चाहिए और 24 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ठीक है, और OBC को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अगर इसके हम सिलेक्शन मेथड की बात करें तो आप लोगों का रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बेस पे आप लोगों का मेरिट बनेगा। ठीक है, तो रिटर्न टेस्ट होगा तो उसका सिलेबस ये दिया गया है, आप लोग से टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग का आएगा, बेसिक इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो है जनरल कैंडिडेट को कम से कम 40% लाना है और SC ST को 35%, क्योंकि इसमें 40 में से 5% कम लाना है, तो 35% SC ST को यहाँ पे लाना है। अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट इसका ये दिया गया है, आप लोग यहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर हम और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके चले तो यहाँ पे देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट इधर है, और ये जो बोल रहा है इसके अगर लास्ट डेट की बात करें तो इसका लास्ट डेट है 27 जनवरी, 5 बजे शाम तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि जैसे आप लोग का जो है आप जो फॉर्म भरेंगे तो उसके साथ आप लोगों को पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सारा डिटेल लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है आप लोग का ITI होना चाहिए, वो होना चाहिए आप लोग का NCVT से, वो भी रेगुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जिस तरह से वीडियो से नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएगा। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो।